हेलो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं अपने छोटे से स्टेशन बीटा। ये पटना से लगभग एक घंटे का मतलब डिस्टेंस पर है, लगभग 30 किलोमीटर। और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, गुड इवनिंग जो भी लोग ये चैनल देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग। और आज की जर्नी एक्चुअली बीटा से मैं जा रहा हूँ जेसीडी अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ में। तो मैं आगे के ब्लॉग में आपको बताता चाहूँगा कि आगे हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो मीट माय वाइफ, मेरी पत्नी, हाय कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे अभी, 9:40 पे ट्रेन है यहाँ से, विभूति एक्सप्रेस, और ट्रेन नंबर है 12322। आई गेस यही है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट ऐसे नंबर है। तो ये बीटा से ये ट्रेन खुलेगी और जेसीडी पहुँचाएगी सुबह के 3 बजे के आसपास। ऐसे 2:30 टाइमिंग होती है, 2:30 बजे, बट 3 बजे पहुँचाएगी। तो गाइज जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ आप आगे तक बने रहिए, मैं आगे भी अपडेट करूँगा। फिर आगे जैसे जैसे जर्नी हमारी प्रोसीड करेगी मैं बताऊँगा हम लोग कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। तो गाइज देख सकते हैं, मैं स्टेशन पर भी जा रहा हूँ और अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हूँ। वैसे यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये बगल में एक मालगाड़ी खड़ी है, नॉट श्योर ये विजिबल है, बढ़िया। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ये जर्नी कैसी रहेगी। बेसिकली जेसीडी हमारा मेन जो डेस्टिनेशन है वो एक्चुअली जेसीडी से भी आगे है। ज़्यादातर लोग जो झारखंड में रहते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे देवघर, जो कि बाबा बैजनाथ धाम के नाम से फेमस है, तो लोग ज़्यादातर जानते ही उनके बारे में। यहाँ बहुत फेमस है, ये बहुत बड़ा तीर्थस्थल भी है और झारखंड का वन ऑफ द फेमस डेस्टिनेशन भी है। तो बिहार, झारखंड, यूपी, बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से यहाँ आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है और ज़्यादा भीड़ नहीं है वैसे। तो ठीक है गाइस, जो भी जैसे भी अपडेट रहेगा मैं आपको आगे बताऊँगा। गाइस ये देखिए लिट्टी, ये बिहार का फेमस लिट्टी सत्तू वाला। फिलहाल तो ये खा रहे हैं हम लोग। खाने के बाद बात करते हैं। तो गाइस अभी मैं जस्ट पहुंच गया हूँ जेसीडी, और ये देख सकते हैं ट्रेन को दिखाता हूँ फ्लिप करके। ये इसी ट्रेन से आया था अभी विभूति एक्सप्रेस, और ये हावड़ा से चल के न्यू दिल्ली पहुँच जाती है। सो गाइस इस ट्रेन का टाइमिंग 2:30 था और ये 2:30 टाइम पे ही आई है। सो अब यहाँ से हमें निकलना होगा देवघर के लिए, तो यहाँ से मोस्टली ऑटो या फिर शेयर टैक्सी वगैरह जो भी है ये चलती है। तो जैसे भी होगा अपडेट करूँगा गाइस। अभी फिलहाल तो अभी स्टेशन पे है, अभी कुछ चाय पीते हैं, देन उसके आगे बताएंगे। फिर जाने दो ना, जाने दो ना, थोड़ा देर में मालूम चल जाएगा। कोई क्या करेगा, देवघर में, और अभी लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में चल रहे हैं, काफ़ी लंबी लाइन है, तो समय तो लगने वाला है काफ़ी सारा। ये हालात है कुछ, मज़ा तो आ रहा है। तो जो लोग पहली बार अगर देवघर आ रहे हैं तो गाइस यहाँ पे मंदिर में आने से पहले अपना फ़ोन, पर्स, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब चोरी चमारी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से
यहाँ पे जो जो पंडित होते हैं तो वो लोग आपको कोई भी अमाउंट बोल सकते हैं, जो कि 251, 551, 1100 ऐसे कुछ भी अमाउंट बोलते हैं। तो ऐसा उनके बातों में नहीं आने का है। संकल्प कराने का टाइम पे वो लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको बोल देंगे अगर आप संकल्प करा रहे हैं, या फिर आपको बोलेंगे अलग से स्पेशल लाइन लगाने के लेने के लिए। तो इसका बेस्ट उपाय यही है कि आप जब भी आएँ तो थोड़ा आस पास देखें, घूमें, उसके बाद कोई भी डिसीजन लें। जनरली मैंने तो यहाँ पे भी संकल्प कराया था तो मैंने सिर्फ 51 रुपये दिए क्योंकि यार 1100 रुपये बोल रहा था। फिर मैंने कहा यार इतना तो है नहीं, हम लोग यारगंज से हैं, ऐसे तो थोड़ी होता है कि मतलब कुछ भी मतलब आप अमाउंट बोल दीजिएगा दे देंगे। यही है फिलहाल के लिए तो। और यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से आते भी हैं, तो यहाँ पे शादी बारी का जो भी काम होता है वो भी होता है, और भी दूसरा बहुत सारा पूजा का कार्यक्रम वगैरह यहाँ पे होता है। तो देख सकते हैं गाइस, तो बहुत लंबी लाइन है और ये आपको गोल गोल घूम के जाना पड़ता है। तो चलिए एक बार मंदिर पहुँच जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं अपडेट दूंगा कि आगे मतलब क्या स्टेटस रहता है, जैसा भी रहेगा आगे फिर बताता हूँ मैं आपको। मेन मंदिर है और ये भी लंबी लाइन है। मजा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। भीड़ भर बहुत है यहाँ पे, लेकिन आज काफी अच्छा दिन है तो पूजा करने के लिए आए। ये है प्रमुख द्वार बाबा बैजनाथ धाम का। तो गाइस पूजा मैंने कर ली अच्छे से, और मैं मेरी वाइफ पूजा वूजा करके हम लोग अब बस अब निकल गए मंदिर से। अभी प्लान ये है कि बाहर निकल के यहाँ एक्चुअली अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने आपको बताया नहीं गया। जो लोग अगर फर्स्ट टाइम ये मेरा वीडियोस देख रहे हैं या फिर कभी देवगढ़ पहले नहीं आए, तो यहाँ पे पेड़ा और चूड़ा यहाँ का बहुत फेमस है। आप देख सकते हैं हर जगह। लोग कुछ जगह यहाँ बड़ी में यहाँ पे देख सकते हैं पेड़ा और चूड़ा। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं देवघर में तो आप लोग प्लीज़ यहाँ से पेड़ा चूड़ा जरूर लेके जाइए, बहुत टेस्टी होता है। मैं 1995 से यहाँ पे आ रहा हूँ और बहुत ही मतलब मज़ा आता है, और जब भी आता हूँ यहाँ से मतलब काफ़ी अमाउंट में यहाँ से पेड़ा और चूड़ा वड़ा लेके जाता हूँ। तो चलिए गाइस बाकी अपडेट मैं आपको बाद में दूंगा ऐसे वीडियो पर देखकर। हे गाइस गुड मॉर्निंग, मैं बस अभी जस्ट सोके उठाई हूँ, और सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द अब्रप्ट एंडिंग। मैं बस कल रात में आया, बहुत लेट हो चुका था, और जैसा कि आपने देखा था कि जब लास्ट हम लोग वहाँ से मार्केट में पेड़ा और चूड़ा वगैरह खरीद रहे थे तो उसके बाद मेरी फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई, एंड देन मेरे पास चार्जर नहीं था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि फ़ोन को चार्ज कैसे करूं। और देन उसके बाद फिर टाइम भी नहीं मिला, लाइक बहुत ज़्यादा थकान हो रखा था, और दो मैं ऑलमोस्ट लाइक 24 hours से 48 hours के बीच जो टाइम फ्रेम था उसको उसमें मैं सोया भी नहीं सही से था। तो फिलहाल तो अभी हम अच्छे से सो लिए, अपना बेड होता है, ये तो मेरा गांव का घर है, ऐसे गांव में घर ऐसे ही होते हैं। हम श्योर है कि जो भी लोग गांव में रहते हैं तो वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो तो खैर फिर जब हम यहाँ पे आए हैं, मैं मेरी वाइफ ये देखिए ये अपने काम में लगी हुई है, क्या कर रही है ये देखिए, बटर छील रही है। हाय कर दो यार, गुड मॉर्निंग कर दो। तो गाइस ये एक्चुअली हमारा सेकंड डे है, नहीं थर्ड डे है, सेकंड डे तो हमारा वहीं पे जैसे डी में ही निकल गया,
रात में हम इतनी ठंड में हम ट्रैवल कर रहे थे कि हम आपको क्या बताएं, बट जब यहाँ पहुँचने के बाद तो पूछिए मत, मतलब हालत इतनी खराब हो गई थी, हमें नींद भयानक बहुत भयानक तरह से आ रही थी, तो जैसे तैसे करके घर पहुँचे हम रात में, ट्रेन भी बहुत लेट चल रही थी सारी, मतलब बहुत ज़्यादा कुहासा था, कोहरा था इस साइड में, तो अभी भी देख सकते हैं मैंने जैकेट वैकेट में तो वैसे ही पहन के सो गया था, तो खोला भी नहीं कुछ भी ऐसे ही, और अभी अभी उठा हूँ, अभी सुबह के ऑलमोस्ट 9 बज गए, मैं किसी ने मेरे को उठाया भी नहीं क्योंकि लोगों ने देखा कि मैं थका हुआ था, मेरी आंखें अभी भी नहीं खुल रही सही से, बट गाइस अब वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस यही कहना है कि जो भी लोग अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं और मेरे ब्लॉग को अगर आप पसंद, अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना प्यार दें हमें, और मेरे चैनल को मतलब अपनी तरफ से जो एक अच्छा सा लाइक दे, सब्सक्राइब करें, अपने जो भी कमेंट आपको अच्छा लगता है, जो भी इस चैनल में आपको अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करें ताकि हम भी कोशिश करें ताकि हम मैं अपने चैनल को और भी अच्छे से इम्प्रूव करूं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊं, तो कोशिश यही रहेगी। सो गाइज अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट डाउन कीजिए, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग। सो मैं मेरी पत्नी की तरफ से सबको गुड बाय, एंड अपना ध्यान रखें, थैंक यू गाइस, बाय।